नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू फिर से आपका एक बार एक्सेलेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइस, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाइस। तो डाइस की हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानेंगे, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जो डाइस होता है ये मेनली दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा होता है, और एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए डाइस के बारे में, तभी हम इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो डाइस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है, ठीक है। ये होता है हिंदी में, यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये होता है मानक और ये साधारण, ठीक है। तो मानक पासा क्या होता है? मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिस में जो दिखाई देने वाली जो उसकी फेजेस होती है या फलक होती है, उनमें किन्हीं भी अंकों के, किन्हीं भी दो जो फेजेस है उनके अंकों का टोटल 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो मानक पासा होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि मान लो हमारे पास ये कोई डाइस है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ पे 3, मतलब ये जो डाइस है ये एक मानक डाइस है, मानक पासा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दिखाई देने वाली जो फलक है, फेजेस है, इनमें किन्हीं भी दो फेजेस के अंकों का जो टोटल है या सम है वो 7 नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण हम इसको मानक पासा बोलेंगे। तो मानक पासा की पहचान क्या है कि दिखाई देने वाली किन्हीं भी फल को, जैसे कि यहाँ पे 3 फलक हमें दिखाई दे रही है, किन्हीं भी दो फलकों को लेना है और उनके अंकों को टोटल करना है, तो आपको 7 यदि रिजल्ट मिलता है तो वो मानक पासा नहीं होगा, ठीक है ना। यदि 7 रिजल्ट आपको नहीं मिलता उनको टोटल करने पर तो वह मानक पासा होगा। जस्ट इसका अपोजिट जो है वो है साधारण पासा। साधारण पासे में क्या होता है कि ये मान लो हमारे पास कोई एक पासा है, यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो दो फलक है, दो फेजेस है, इनके जो अंकों का यदि हम सम यहाँ पे निकालते हैं तो ये हमको 7 मिलेगा। तो यह एक ऐसा पासा होता है जिसमें दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो फेसेस के अंकों का सम 7 होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पासा क्या होता है। पासा एक षटफलक क्यूब होता है बोलना चाहिए, जिसमें 6 फलक होते हैं और उसमें 1, 2, 6 तक क्या होता है डिजिट लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी ध्यान देनी है, जैसे कि अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और मैं वहीं पर समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासा में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? तो आपको ये बताना है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बात जाननी होगी, जो पासा होता है उसमें जो फलक विपरीत होते हैं एक दूसरे के, मतलब जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट जो फेजेस होती है उनपे जो अंक होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है ना। मान लो मेरे पास, मैंने बोला ये वाले पासे में 3 के अपोजिट क्या है, 5 है। मान लो 3 के अपोजिट यदि मैंने इस पासे में बताया कि 5 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 और 5 एक ही पासे में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है ना। ना तो एक साथ ये हाइड हो सकते हैं, ना ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होता है डाइस को पढ़ने का, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि यदि हमको किसी भी अंक के विपरीत फलक में अंक यदि पता करना है, तो वो जो अंक होगा वो दिखाई देने वाले अंक के मतलब एडजेसेंट में नहीं होगा, उसके आसन्न में नहीं हो सकता, मतलब उसके हम बोल सकते हैं उसके साइड में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दूसरा रूल आप लोगों को याद रखना है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग यहां पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको 3 के विपरीत अंक बताना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि 3 के एडजेसेंट में कौन कौन सी फलक आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 के एडजेसेंट में, यहाँ पर आसन्न में, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, 2 है। यहाँ पर आप चलेंगे तो 1 तो हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पर क्या है, 5 है, और यहाँ पर क्या है, 2 हम लोगों ने ले लिया, 4 है।
तो तीन के एडजेसेंट में क्या है, वन आ गया है, टू आ गया है, फाइव आ गया, फोर आ गया, क्या नहीं आया है, सिक्स। मतलब इसके अपोजिट में क्या होगा, सिक्स होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहां पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमको बताना है कि नीचे दिए गए पासा में अंक छह के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि छह के बाजू में कौन कौन से अंक है। तो यहां पर देख लीजिए आप, छह के बाजू में यहां पर आपको मिल जाएगा दो, तीन, और यहां पे चलेंगे तो हमने दो ले लिए हैं, मतलब फोर, यहां पर चलेंगे तो आपको फाइव मिल जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो छह के जो बाजू में या एडजेसेंट में बोले हम लोग, दो आ गया है, तीन आ गया है, फोर आ गया, फाइव, मतलब टू थ्री फोर फाइव आ गया है, तो क्या नहीं आया है, वन। मतलब इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, तीन के विपरीत नीचे दिए गए पासे में अंक तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए, देखो यहां पर आपको तीन नहीं दिया गया है। एक और चीज आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना होगा, यदि किन्हीं भी दो पासे में, मान लो हमारे पास यहां पर वन है, टू है, थ्री है, यहां पर क्या है, फाइव है और वन है, थ्री है, यदि किन्हीं भी दो पासे में यदि उनके दो अंक कॉमन है, ठीक है, तो जो तीसरा अंक होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वन और थ्री, वन और थ्री यहाँ पर कॉमन है, मतलब टू और फाइव क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो पासे दिए गए, मतलब यहाँ पर हमारे पास फोर पासे है और हमको इसमें तीन के विपरीत अंक बताना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों पासे में आपको क्या देखना है, कॉमन देखना। तो यहाँ पे देखो कॉमन है क्या, फोर, यहाँ पर भी कॉमन क्या है, फोर है। तो आप क्या करोगे, फोर जो कॉमन है उससे आप लोग क्या करोगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या करोगे, रोटेट करोगे। तो यहाँ पे फोर के बाद जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर फाइव आ जाएगा, और फाइव के बाद क्या जाएगा, सिक्स आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पर फोर के एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, वन है, और वन के एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, टू है। तो आप यहां से ये पता लगा सकते हो कि यहां पर देखो, यहां पर जो है सिक्स के अपोजिट में क्या है, टू है, और फाइव के अपोजिट में क्या है, वन है। तो फोर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहां पर थ्री, मतलब थ्री के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पर फोर, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। हम यहाँ पर तीन के अपोजिट में बाकी इसलिए पता नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास जो तीन दिखाई दे रहा है हमको, वो केवल एक पासे में दिखाई दे रहा है, और उसमें उसके एडजेसेंट में केवल फाइव और सिक्स है, जो कि हमारे लिए कैलकुलेट करने में हमारे लिए मतलब पर्याप्त जानकारी नहीं है, ठीक है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे में तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आप ऐसे दो पासे पता करिए जिनमें कॉमन अंक हो। देखो पहला जो पासा है यहाँ पर फाइव फोर सिक्स है और वन टू फोर है, ठीक है। तो आप यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है, फोर है। तो आप क्या करो, फोर से इस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। तो जब आप फोर से इस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यहां पर फोर के अपोजिट में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में देखो कौन आएगा, फाइव आएगा, और फाइव के एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। सिमिलर यहां पर फोर के एंटी क्लॉकवाइज में वन, और वन के एंटी क्लॉकवाइज में क्या जाएगा, यहां पर टू। तो आपसे क्या पूछा गया था, थ्री के विपरीत फलक पर। तो यहां पर भी आप देख सकते हो सिक्स के अपोजिट टू है, फाइव के अपोजिट वन है। तो क्या आपको यहां पे दिखाई, क्या नहीं, कौन सा डिजिट दिखाई नहीं दे रहा है, थ्री। तो जो थ्री है वो फोर के अपोजिट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासा में अंक तीन के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए, देखो तीन यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो आप एक काम करिए, तीन के एडजेसेंट में कौन कौन से डिजिट है, आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए। तो तीन के एडजेसेंट में आप यहां पे देख सकते हो वन है, सिक्स है, यहां पर आप देख सकते हो फाइव है, यहां पर आप देख सकते हो टू है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो डिजिट मतलब जिसको यदि हमको फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे थ्री है, थ्री के विपरीत यदि हम लोगों को बताना है, तो जो विपरीत डिजिट होता है वो कभी भी एडजेसेंट में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर एडजेसेंट में कौन सा डिजिट नहीं आया है, फोर, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर,
ठीक है ना, आपको यहाँ पे ये बात नोट करनी चाहिए कि जो विपरीत फलक होता है उस पे जो डिजिट होता है वो दिखाई देने वाले डिजिट के कभी भी एडजेसेंट में नहीं आ सकता। दूसरा रूल है कि दो, यदि कोई दो डिजिट जो कि एक दूसरे के अपोजिट फेजेस पर है, ना तो वो एक साथ दिखाई दे सकते ना ही एक साथ हाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये जानकारी है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डाइस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखो, अंक 3 के एडजेसेंट में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एडजेसेंट में क्या कौन कौन से डिजिट है। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 के एडजेसेंट में 1 है, 2 है, यहां पर आप 5 को ले लीजिए, यहां पर आप किसको ले लीजिए, 4 को ले लीजिए। ठीक है, तो 3 के बाजू में या एडजेसेंट में हम बोल सकते हैं 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, क्या नहीं है, 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासा के निचले फलक पर 2 है, 2 को कर दिया जाए तो पासा के ऊपरी फलक पर कौन से अंक आएगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, जब आपके पास दो पासे कहीं पर भी हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि पासा स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया कि दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो फेजेस, मतलब तीनों फेजेस में से किन्हीं भी दो फेजेस के जो अंक है उनका सम कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक करिए, 6 और 2 8 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, मतलब ये तो स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेक करिए, 5 और 1 हो जाएगा 6, और 1 और 3 4, 5 और 3 8, मतलब ये भी क्या है, स्टैंडर्ड है। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड पासा की एक और आपको जानकारी पता होना चाहिए कि इनके दो विपरीत फलकों का जो अंक होते हैं उनके जो टोटल होता है वो हमेशा 7 होगा, मतलब एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि एक और मतलब 1 और 6 को यदि हम 8 करते तो हमको 7 मिलेगा। यदि जो हमारे पास मानक पासा है उसमें हमको एक के विपरीत यदि पता करना है तो हम डायरेक्ट बता देंगे 6 होगा। क्यों? क्योंकि मानक पासा का जो रूल होता है उसमें यह कहता है वह रूल कि विपरीत जो फेजेस होती है उनके जो डिजिट है या जो अंक है उनके उनका सम हमेशा 7 होना चाहिए। यदि मुझसे कोई पूछे कि 4 के अपोजिट बताइए तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा 3। यदि कोई मुझसे पूछे 3 के अपोजिट तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा 4। ठीक है, इसी प्रकार 5 के अपोजिट आप बता सकते हो, 2 और 2 के अपोजिट भी आप बता सकते हो 5। ठीक है, तो ये होती है स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन। तो यहां पर किसके अपोजिट पूछा गया है, 2, तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा, सिंपली 2 के अपोजिट क्या जाएगा यहां पर, 5, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। यदि 5 कि हाँ क्या बोल रहा है, यदि अंक 5 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि पासा जो है स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंकों का यदि हम सम करते हैं तो यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी मतलब 7 नहीं आ रहा है। 7 नहीं आ रहा मतलब ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में 5 के अपोजिट पूछ रहा है तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा में अंक 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि दिया गया जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1 और 3 4, 3 और 2 5, 1 और 2 3, यहाँ पर आप चलिए 5 1 6, 1 और 6, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो फलकों के अंकों का जो सम है वो 7 आ रहा है, मतलब ये जो है स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज नहीं तो आपको करना क्या है, आपसे पूछा क्या गया है, 4 के अपोजिट में पूछा गया है। तो आप एक काम करिए, दोनों डाइज में सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई एक कॉमन डिजिट है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों डाइज में एक कॉमन डिजिट है जो कि 1 है। तो आप क्या करिए, 1 से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। तो यहाँ पे हम पहले डाइस में 1 को जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये 2 पर जाएगा और 2 के बाद 3 पर चला जाएगा। सिमिलर यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 को जब हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो 1 के एंटी क्लॉकवाइज में हमको यहाँ पे 6 मिलेगा और 6 के एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, 5। तो हमसे क्या पूछा गया था, 4। आपको यहाँ पे दिखाई क्या नहीं दे रहा है, देखो यदि हम देखें तो पासा पर जो होता है डाइस में 1 2 6 डिजिट होते हैं, ठीक है, नंबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 दिखाई नहीं दे रहा होगा, और जो दिखाई नहीं देता है वो
जो कॉमन होता है दोनों में उसके अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर फोर के ऊपरी फलक में पूछ रहा था, यहाँ पे फोर और वन जो है एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में नीचे दिए गए पांसे के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पांसे में अंक चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, आपको ये बताना है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि फोर के अपोजिट क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, है ना। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ये, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हमको कोई भी दो डाइस को क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो शुरू की जो दो डाइस है इस पे आप देखिए, आपको यहाँ पर दो डिजिट कॉमन दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर वन और थ्री और वन और थ्री। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो दो किन्हीं भी दो डाइस में यदि उनके दो फलक पर सेम अंक है तो जो तीसरी फलक पर जो अंक होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर सिक्स और फोर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सिमिलर यहाँ पर चलिए आप, तो यहाँ पर आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, आपसे फोर के अपोजिट पूछा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्स, मतलब ऑप्शन नंबर फोर तो जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, नीचे एक ही पांसा के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, ये जो शुरू की जो दो डाइस है इनको हम क्या करेंगे यहां पर, इनसे हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि फोर के अपोजिट क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो फोर और थ्री, फोर और थ्री दोनों में कॉमन है, मतलब यहां पर सिक्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। सिमिलर यहां पर आप चलिए, तो यहां पर फोर और टू, फोर और टू ये अंतिम की जो दो डाइस है इसमें फोर टू कॉमन है, मतलब यहां पर थ्री के अपोजिट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, फोर बच रहा है, और फोर के अपोजिट क्या होना चाहिए यहां पर, सिंपली फाइव होना चाहिए, क्योंकि देखो सिक्स के अपोजिट टू आ गया है, थ्री के अपोजिट वन आ गया है, तो फोर के अपोजिट क्या होगा, फाइव। तो यहां पर फोर के अपोजिट तीनों फलकों पर क्या हो जाएगा, फाइव, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पांसा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि इस पांसा के ऊपरी फलक पर अंक पांच को रखा जाए तो निचली फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको सबसे पहले यह फाइंड आउट करना है कि दिया गया पांसा स्टैंडर्ड है अथवा नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहां पर आप देखिए ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसमें किन्हीं भी दो फेजेस के अंकों का जो सम है वो सेवन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे बता देंगे फाइव के अपोजिट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।